यहाँ पर जो कि तेलंगाना से नई दिल्ली के जंतर मंतर आया, और देख सकते हैं आप बैनर पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं सारी चीजें। आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संजय, संजय लोध। संजय लोध, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। आप ये बैनर लेकर के जिस प्रकार से खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, और हमें सुनने में भी आया आप तेलंगाना से लगातार बाइक चलाते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। क्या उद्देश्य रहा आपका ये सब करने का? क्यों किया आपने? क्यों आए हैं आप नई दिल्ली के जंतर मंतर, वो भी बाइक से? जो मेरा वहाँ खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के नीचे काला पत्थर है, वो काला पत्थर वहाँ के गवर्नमेंट सिंगर समस्या चलाती है। अगर मेरी जमीन वो सिंगर समस्या को दिए तो उसके बदले मेरे को पैसे, सरकारी नौकरी और खेती बाड़ी करने के लिए दूसरी जगह जमीन देती बोली। अच्छा ठीक है बोल के मेरा बाबा। आपकी जमीन गई है? हाँ, मेरी जमीन गवर्नमेंट के उसमें गई है। हाँ। तेलंगाना में है? तेलंगाना। कौन सी जगह पर? एलंदू, भद्रादी कोतवाली डिस्ट्रिक्ट एलंदू। अच्छा, मेरे जमीन पड़ता कमम के नीचे आता वहाँ पे। अच्छा, तो कितनी कितने बीघा जमीन होगी आपकी? 50 एकड़ जमीन। 50 एकड़ जमीन। हाँ, हमें वो जमीन मेरे परबाबा के हिसाब से मिला। यूपी से काला पत्थर निकालने के लिए अंग्रेज वालों ने हमें लेके गए थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं था, कहीं अंदर था वो काला पत्थर निकालने के लिए, इसलिए हमें यूपी से तेलंगाना ले गए थे और हमें वहाँ पे ले गए थे। अंग्रेज वालों ने हमें वो जमीन दी। कालक्रम में बढ़ते बढ़ते मेरी जमीन के नीचे काला पत्थर अब सिंगरे समस्या को होना चाहिए। अच्छा ठीक है बोल के हमें वो सिंगरे समस्या को दे दिया। देकर भी 30 साल बीत गए। 30 साल बीत गए के बाद 5 साल के नीचे हमारे आजे बाज सब लोगों को पैसे मिल गए थे, हमें क्यों नहीं मिले बोल को वहाँ की सरकार से, MRO, MLA, MP, कलेक्टर ऑफिस से कभी मैं जाऊँ। अच्छा ठीक है, वो वहाँ की समस्या को, सिंगरे समस्या को चिट्ठी भेज देती। अच्छा साहब, मैंने आपको उन लोगों को पैसा दे देता हूँ बोलकर 5 साल से घुमाते हैं, लेकिन मतलब आपको एक बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आपकी जो भी आप चाहते हैं वो चीज नहीं हो रही है, आप जो मांग रहे हैं वो चीज नहीं हो रही है, नहीं दे रही। इसी कारण से मेरी बहन PM को लेटर लिखी थी। क्या नाम है आपकी बहन का? मालती लोध। मालती लोध। तो PM के समक्ष आपने जो लेटर लिखा उसका क्या जवाब आया? तेलंगाना स्टेट को लिखी थी इसके काम करना बोल के, फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे धरना करने आया PM के। सब आपने कार्रवाई किया, कार्रवाई करने के लिए लिखा था, फिर भी किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मेरे को न्याय नहीं हुआ तो मानने के लिए तो इजाजत दिला दो। 5 साल से घूमते हैं, अब तो घूमने का हिम्मत तो नहीं है मेरे पास। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जीवन बहुत अनमोल है। ये तो बात है, मैं तो घूम के थक गया हूँ, इसलिए मैंने आवाज उठाई तो मेरे 30 गाय मार डाले थे पिंजरे में डाल के। 3 महीने तड़प कर 30 गाय मर गए थे। किसे बोलूं मैं, मेरे को जीने के तरीका भी नहीं बता ले वहाँ के गवर्नमेंट। अगर आवाज उठाई माने की धमकी दे रहे। जो जमीन आपकी सरकार के उसमें गई है, सरकार के काला पत्थर निकालने के लिए गई है वहाँ पर, उसमें से क्या निकलता था उस जमीन में? काला पत्थर, कोयला। कोयला निकलता था? कोयला। अच्छा, तो आपको उसका मुआवजा नहीं दिया गया? अब तक नहीं दिया। अपने आजूबाज सब लोगों को दे दी, मुझे तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अब आप प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मेरे को न्याय तो दिला दो, मेरे घर चलना भी बहुत मुश्किल से है। घर में कौन कौन है? मैं, मेरा पापा, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन। घर चलना बड़े हैं घर में? मैं बड़ा हूँ, जिम्मेदारी तो उठाना पड़ता है। आप करते क्या है गाँव में? बाइक का खुद का गैराज है। बाइक का गैराज है मेरा। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी फिर से संज्ञान लेंगे आपके मामले में? जरूर, किसान के लिए है प्रधानमंत्री, और किसके लिए? आप अकेले इस लड़ाई को लड़ लेंगे? आप अकेले आए हैं तेलंगाना से? अकेले से कुछ तो बनता है, हर एक कार्रवाई अकेले से होता है। देखूंगा कितना हो सके उतना होगा। क्या लगता है आपकी मांग को जो है विपक्ष उठाएगा? जरूर उठाएगा। किसान इतने 100 लोग किसान तो उठाएंगे, एक किसान के लिए नहीं उठा पाएगा, जरूर उठाएगा।